चतरा के लावालौंग में पुलिस व माओवादियों में भीषण मुठभेड़, 5 नक्सली ढेर। एक टॉप कमांडर के ढेर होने की सूचना। पलामू की सीमा से सटे लावालौंग थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, भारी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद होने की सूचना है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने पलामू चतरा सीमा पर माओवादियों के खिलाफ अभियान शुरू की थी। बता दें कि इस अभियान में सीआरपीएफ 190 कोबरा बटालियन जैप आईआरबी के साथ साथ पलामू चतरा जिला बल के जवान शामिल हैं। सूचना मिलते ही उप महानिरीक्षक पहुँचे लावालौंग। उप महानिरीक्षक ने बताया कि माओवादियों द्वारा पुलिस से लूटी गई है 2 AK-47 बरामद हुआ है, 25-25 लाख के 2 इनामी नक्सली समेत 3 सब जोनल कमांडर ढेर। चतरा जिला से पलामू की सीमा से सटे लावालौंग थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। सूचना आ रही है कि मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें एक माओवादी टॉप कमांडर के भी मारे जाने की सूचना है। वहीं मौके से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद होने की सूचना है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने पलामू चतरा सीमा पर माओवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। इस अभियान में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन जैप आईआरबी के साथ साथ पलामू और चतरा के जिला बल को लगाया गया था। एंटी नक्सल अभियान के दौरान पलामू चतरा सीमा पर सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सूचना मिलते ही लावालौंग पहुंचे उप महानिरीक्षक ने बताया कि 2 बिहार झारखंड कमेटी की एरिया मेंबर जो 25-25 लाख के इनामी हैं, गौतम पासवान व 40 उराव नक्सली समेत 3 सब जोनल कमांडर हुआ ढेर। साथ ही माओवादियों द्वारा पुलिस से लूटी गई 2 AK-47 हुआ बरामद। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है, बचे हुए माओवादी सरकार द्वारा सरेंडर पॉलिसी का लाभ लेकर सरेंडर करें, नहीं तो इस तरह का अभियान हम लोग लगातार चलाएंगे और इसे ही बड़ी सफलता हाथ लगेगी। आज चतरा जिले में एक ऐतिहासिक सफलता मिली है हम लोगों को, और इसमें लावालौंग थाना अंतर्गत नौडिया जंगल के अंदर आज सवेरे ये मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 सैक मेंबर, बीजे सैक मेंबर, बिहार झारखंड स्टेट एरिया कमेटी मेंबर, 2 25-25 लाख रुपए के इनामी सुरेश पासवान, गौतम पासवान और बड़कदा एवं 40 उराव जो पूर्व के भी दुर्दान नक्सली रह चुके हैं, 50 से 60 केसेज इनके ऊपर वांछित हैं। इसके अलावा 2010 के अंदर भी सतवाहनी के अंदर प्रतापपुर के अंदर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। उस समय के ये लोग दुर्दांत नक्सली हैं। इसके अलावा 2 और सब जोनल, 3 सब जोनल और इसमें मारे गए हैं, अमर गंजू नंदू उर्फ नंदू और एक संजीत भुइयां। ये इसमें ये डुमरिया का रहने वाला है गौतम पासवान, और 40 उराव जो है बालूमात लातेहार का है। और इसमें पुलिस अधीक्षक श्री राकेश को ये सूचना मिली थी, टेक्निकल इनपुट था इसमें, और ये सूचना फिर थाना प्रभारी लावालौंग को दी गई। कोबरा की टीम वहाँ थी, 203 कोबरा की टीम वहाँ थी, और इसका एक फिर एक ऑपरेशन प्लान बना। इस ऑपरेशन प्लान के अंदर पलामू एसपी को भी सूचित किया गया, तो वहाँ से भी एक 134 बटालियन सीआरपीएफ की भी एक कंपनी वहाँ थी, उस तरफ से कट ऑफ में थी। और ये जवाबी फायरिंग जब हुई वहाँ से नक्सलियों से, वो जवाबी फायरिंग के अंदर जब हम लोगों के कोबरा के जवान और जो हम लोगों के चतरा पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर और जो सिपाही थे, उन्होंने जवाबी फायरिंग करी, जिसमें ये मुठभेड़ में मारे गए। इसमें 2 पुलिस लूटेड AK-47 बरामद हुई हैं, जो पुलिस के द्वारा एक टाइम में लूटी गई थी। वो हम लोग एक वायरलेस मैसेज करेंगे पूरे देश भर में कि ये किस जगह की लूटी हुई हैं। इसमें एक इंसास पुलिस लूटेड इंसास भी हम लोगों को मिली है, और 2 हम लोगों को कंट्री मेड 303 राइफल इसमें मिली है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी सफलता है, और इसमें ये जो मध्य जोन है और चतरा पलामू जो सब जोन के ये नक्सल हैं, इसको बड़ा झटका लगा है, और ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। इस तरह से हम लोग आगे भी ऑपरेशंस करते रहेंगे। मेरी यही अपील रहेगी कि जो हमारी सरेंडर पॉलिसी है सरकार की, जितने नक्सल्स जो बचे हुए हैं, बचे कुछ नक्सल्स हैं जो बिहार और
चतरा के बॉर्डर पर, पलामू के बॉर्डर पर हैं, वह इस सरेंडर पॉलिसी का फ़ायदा उठाएँ और ये लोग जल्दी से जल्दी सरेंडर करें, अन्यथा हम लोग ऑपरेशन प्लान इसी तरह से करते रहेंगे और आगे भी हम लोगों को इस तरह से सफलता मिलेगी। सर, चतरा में लगातार गौतम पासवान का ही दस्ता सक्रिय था, तो क्या माना गया चतरा शांत हो गया? चतरा में गौतम पासवान, इवन पलामू में भी जो मध्य जोन था वहाँ भी ये गौतम पासवान और सुरेश पासवान और बड़का दा, ये काफ़ी दुर्दांत नक्सली थे। डुमरिया बिहार का रहने वाला है, गया का है, और ये जरूरी एक बड़ी